यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित अग्निशमन सुरक्षा कवच कार्यक्रम के तहत 38 अग्निशमन केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 35 अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजित अग्निशमन सुरक्षा कवच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में विभाग के आधुनिकीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत हम प्रदेश में तेजी के साथ तहसील स्तर पर एक एक फायर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसी क्रम में सीएम योगी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य होगा जहां तहसील स्तर पर 1 से 1.5 वर्ष में फायर स्टेशन स्थापित हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर के 1944 में प्रदेश में ये अग्निशमन विभाग का गठन होता है और पिछले आपने देखा होगा कि 1947 से यानी 1944 से लेकर के 2017 तक 73 वर्षों में जितने फायर स्टेशन स्थापित हुए 288 फायर स्टेशन कुल स्थापित हो पाए। हम लोगों ने मात्र 7 वर्ष में 71 नए फायर स्टेशन स्थापित किए। अग्निशमन से जुड़े हुए कानून में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उनके आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए, आज उसका परिणाम है कि प्रदेश में आज अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। 2017 से 18 के बीच प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 1400 करोड़ रुपए इस विभाग को अपनी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए उपलब्ध करवाए।